तो हेलो दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरे और एक नए व्लॉग में। तो गाइस, फिलहाल का ऐसा है कि आज मैं बनाने वाला हूँ एक सेटअप। फिलहाल का मुझे अभी आइडिया आया है तो आज मैं इसको अंजाम देने वाला हूँ। मतलब मैं आज एक सेटअप बनाना हूँ क्योंकि मेरे पास फिलहाल कोई अच्छा सेटअप नहीं है। वैसे जो भी सामान है मेरे पास उससे ही बनाने वाला हूँ, कुछ एक्सटर्नल यूज़ नहीं करने वाला क्योंकि मेरे पास एक अच्छा सेटअप अभी तक नहीं है, उतना भी नहीं लेकिन सिर्फ व्लॉगिंग के लिए मुझे एक अच्छा सेटअप चाहिए। तो देखता हूँ क्या बनाता हूँ आज। बहुत सारे चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। ये सेटअप पे व्लॉग देख रहे हो वो मैंने जुगाड़ से अभी बनाया है, तो इतना भी कुछ खास नहीं है, यहाँ पर नहीं रह सकता। तो फिलहाल देखता हूँ क्या क्या यूज़ करता हूँ। तो मुझे चीज़ें चाहिए होंगा सेटअप को बनाने के लिए। यहाँ से मैं उठ के आ जाता हूँ। तो फिलहाल आप देख सकते हो कुछ ऐसे हाल अभी, और आपको मैं सेटअप भी दिखा देता हूँ जहाँ पर मैं शूट कर रहा था। तो आप देख सकते हो ये रहा सेटअप। यार मैंने माइक खोल दिया है क्योंकि माइक तार वो अटकता है, मुझे पसंद नहीं है वो सर, इसलिए मैं कभी भी व्लॉग में माइक नहीं यूज़ करता हूँ। और फिलहाल गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कैमरा है जो कि बहुत पुराना है, जो कि मुझे फ्री में ही मिला था। और यहाँ पर मैंने खरीदा था ट्राईपॉड जो कि 300 रुपये का था। बहुत दिन, मतलब एक साल हो गए इसको खरीदे हुए। अभी माइक को भी खरीदे हुए एक साल तो हो ही चुका है आराम से। अगर आप देख रहे हो यहाँ पर एक LED बोल सकते हो इसको, इसको भी मैंने खरीदा था, मतलब मेरे पैसे से तो नहीं, मेरे पापा के पैसे से। 6 से 7 महीने तो हो ही चुके इसको खरीदे हुए, अराउंड 300 का आया था लिटरली। और मेरे पास एक ग्रीन स्क्रीन का कपड़ा भी है जो कि मेरे पापा ने खरीद के दिया था, ये वाला ग्रीन स्क्रीन जो कि अराउंड 150 का ही आया था। वैसे मैं प्राइस आपको बता क्यों रहा हूँ कि आपको भी खरीदना है, तो मैं लिंक तो नहीं दे पाऊँगा, आप ढूंढ लेना ब्रो। और गाइस ये रहा मेरा चश्मा जो कि मैं आपको क्यों ही दिखा रहा हूँ वो मुझे भी नहीं पता। बनाना जल्द से जल्दी, तो मुझे जगह डिसाइड करनी पड़ेगी क्या कहाँ पर बनाऊँ मैं, क्योंकि अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे सेटअप बनाऊँ। देखना पड़ेगा कि कहाँ पर बना सकता हूँ मैं, यहाँ पर जगह देखना पड़ेगा ताकि बना सकूँ। नॉर्मल व्लॉग्स वगैरह तो बना ही सकूँ और आपको एंटरटेन कर सकूँ। तो अगर आपको मजा आ रहा है व्लॉग अभी तक देखने में तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, लाइक की भी मानता रहूँगा क्योंकि आप लाइक करते नहीं। तो गाइस फिलहाल का सबसे पहला जो हमारा सामान है वो है ट्राईपॉड जिसका यूज़ करने वाला हूँ मैं, लेकिन ट्राईपॉड से अभी मैं शूट करने वाला हूँ क्योंकि दिखाना भी तो है आपको क्या क्या करने वाला हूँ मैं। यहाँ पर कुछ रखना पड़ेगा ताकि आपको मेरे कमरे की थोड़ा बहुत व्यू दिख सके। और मैं अभी क्या करूँगा आपको आज बहुत कम आएगी क्योंकि माइक मैंने लगाया नहीं है, बस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ गाइस। तो मैं आप जोर जोर से बोलना पड़ेगा। ग्रीन स्क्रीन है जिसका मुझे पता नहीं क्या यूज़ है, सबसे पहले मुझे इसे खोलना पड़ेगा। पहला जो चीज़ है वो ट्राईपॉड, उसका काम कर लेते हैं। वैसे वो रिकॉर्डिंग मैंने ऑफ कर दी, उसका कोई फायदा नहीं है, ट्राईपॉड का पहले ही यूज़ है तो उसको मुझे लगाना पड़ेगा। तो रख नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर मैं सोता हूँ और पैसी बात है, तो मुझे साइड में ही लगाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर ही रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक खिड़की दिख रहा होगी जो कि हमेशा बंद ही रहता है, आप देख सकते हो। उसको खोलते ही यहाँ पर पीछे का पूरा नज़ारा बाहर आ जाता है। वैसे यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी हवाएं चल रही है, तो मैं इस जगह का भी यूज़ कर सकता हूँ लेकिन इसका नहीं कर सकता, छोड़ो यार। इसमें एक रीज़न है जिसके वजह से मैं यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे इस लाइट का, इसका तो यूज़ करना पड़ेगा लेकिन इसकी वायर की लेंथ बहुत ज़्यादा छोटी है और मेरे पास एक्स्ट्रा वायर नहीं है। सबसे पहले मुझे रखना पड़ेगा अपना ट्राईपॉड जिस पर मैं मोबाइल को स्टैंड करूँगा कुछ ऐसे करके। फिर यहाँ पर मुझे माइक, कुछ दिमाग में कुछ आइडिया नहीं आ रहा कि क्या बनाऊँ मैं अभी, मतलब कैसा कुछ होने वाला है। थोड़ा बहुत वीडियो देख लूँ क्या यूट्यूब से, चलो देख लेता हूँ। मुझे सेटअप मिल चुका है, आप देख सकते हो कितना कूल सेटअप लग रहा है। यहाँ पर आपको रेड चीज़ भी दिख रहा होगा, मेरे कमरा के भी आपको दिख रहा होगा, अच्छी खासी लाइट भी मिल रहा होगा विदाउट एनी यूज़, बस हवाएं चल रही है, आपको पता चल हुआ होगा। ये अपना खिड़की, मतलब खिड़की यहाँ पर कुछ सेटअप की मुझे ज़रूरत नहीं है, लिटरली मैं ऐसे करके वीडियो शूट कर सकता हूँ विदाउट एनी लाइट। लाइट लगा सकता हूँ शायद से, लेकिन इतना वायर मेरे पास है नहीं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आया था लेकिन मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर ही देखता हूँ कि कैसा रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पर कैसे अच्छी खासी लाइट आ रही है, लेकिन ठीक ही हो रहा है लेकिन छोड़ो यहाँ पर नहीं कर रहा। तो आप गाइस आप देख सकते हो मैंने अभी तक कुछ इतना सेटअप बना लिया जो कि ये आप देख सकते हो कैसा लग रहा है, मुझे कॉमेंट में बता देना, पता नहीं कैसा लग रहा है। वैसे मैं बैक कैमरे से शूट कर रहा हूँ इसलिए मुझे दिख नहीं रहा है यार क्या हो गया, इतना अजीब लग रहा है। अभी तक मैंने कुछ इतना सेटअप बनाया है और मैं यहाँ पर अपना खिड़की का यूज़ कर रहा हूँ मोबाइल को रखने के लिए। और बात करें माइक की तो मैं यहाँ पर झूला नहीं सकता, बहुत अजीब लगता है, इसलिए मैंने अपना ट्राईपॉड का यूज़ करा है माइक को स्टैंड करने के लिए। अब वो कैसा लग रहा है कमेंट में बता देना,
देखते हैं। मैं सिर्फ ठीक ही लग रहा है, अब तो फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ, वैसे बैक कैमरा ज़्यादा है, अच्छा है इस फ़ोन का, बैक कैमरे से शूट करेंगे शायद से। मुझे कोई समझ नहीं आ रहा कि मैं इस सेटअप में और क्या कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यार। तब से सोच रहा हूँ, कितने सारे वीडियो देख लिए मैंने यूट्यूब पर, लेकिन अभी तक समझ नहीं आ रहा। बस ये इतना सा ही बना सकते, इतना ही बना है मेरे से सेटअप, देखने की बात है क्या। मतलब आपने जो लाइट है मैंने इस साइड रखा है, मेरे कैमरे के सामने सीधा नहीं रखा है, मतलब कैमरा नहीं मोबाइल ही है, लेकिन फिर भी जो भी है। तो फिलहाल देखता हूँ क्या करता हूँ, या फिर यहाँ पर ही सेटअप बनाऊँगा। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद मुझे पता चल चुका है कि ये वाला सेटअप भी मस्त लग रहा है, काफ़ी अच्छी खासी लाइटिंग आ रही है इस साइड से। बाकी इस साइड में भी कोई लाइटिंग का जुगाड़ मैं जरूर लगा लूँगा, फिलहाल के लिए मेरे पास कोई भी ऐसा लाइट नहीं है कि इस साइड में लगा सकूँ। वैसे मस्त ही लग रहा है, आपको कैसे लग रहा है कमेंट में जरूर से बताना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपको दिखा देता हूँ कि बाहर से कैसे दिख रहा है। तो बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर अपना खिड़की खुला हुआ है, यहाँ पर लाइटिंग मैंने घुसा कर रखी है, क्योंकि यहाँ पर अटकने लायक कुछ चीज़ है नहीं। यहाँ पर अपना माइक है और यहाँ पर्दा जो कि मेरे सर के ऊपर है। तो गाइस फिलहाल मैंने उस लाइट को बंद कर दिया जो कि मेरे कमरे में था, और अभी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी बन पीछे का आपको सारा दिख रहा होगा जो कि अजीब लग रहा है, बाकी मैंने माइक खोल दिया इसलिए आवाज़ नहीं अच्छी आ रही है। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। बाकी आपको मेरा सेटअप कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, क्या क्या इसमें इम्प्रूव वगैरह कर सकता हूँ वो भी कमेंट में बताना, और अगर पसंद नहीं आए तो क्यों नहीं आया वो भी कमेंट में बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।